हेलो फ्रेंड्स, राम राम जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और ये जो वीडियो है ना, ये बहुत दिनों से मतलब ये वीडियो हम इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हुआ और हम लोग जब पाकिस्तान से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीते उसके बाद की है। लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, मेरे को बहुत दिनों से इस वीडियो पर रिएक्शन देना था फ्रेंड्स। तो आइए पहले दे देते हैं इस वीडियो पर रिएक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। बहुत सारे पॉइंट है इसमें बात करने के लिए। और आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को चैनल को सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब नहीं भूलें, और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद में भारत के हाथों हुई जबरदस्त कुटाई के बाद से पाकिस्तानियों के हर छेद से धुआं निकल गया। बजाय ये मानने के कि भारत ने उनकी टीम को कूट दिया है, बजाय ये कबूल करने के कि उनकी टीम कूटे जाने ही लायक थी, बजाय ये समझने के कि भारत की टीम टैलेंट और टेक्निक में पाकिस्तान से मीलों आगे निकल चुकी है, ये लहसुन के पकौड़े ये साबित करने में लगे हैं कि पाकिस्तान की टीम इसलिए हार गई क्योंकि अहमदाबाद में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। सच में ब्लू शर्ट्स के साथ साथ क्या था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। हमारी टीम को बाकायदा प्रेशराइज किया गया। अबे चमन, जय श्री राम के नारे सुनकर तुम्हारे प्लेयर्स प्रेशर में आ गए। एक बात तो मैं ये बता दूं, इधर इधर जय श्री राम का नारा कोई ऐसा नारा नहीं है जिसे लगाने के बाद कोई फट गया। इसलिए प्रेशर में क्यों आ गए ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर क्राउड के कुछ कहने पर तुम्हारे इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रेशर में आ जाते हैं तो इनको वर्ल्ड कप में ऐसी तैसी करवाने के बजाय इनको अपने घर में चाचे और मामे के लड़के के साथ घर की छत पर क्रिकेट खेलना चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा था जसप्रीत बुमराह चांदी के वर्क में लपेट कर बॉल फेंक, पिच पर घास की जगह गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हों? भाई मैदान में 1,30,000 का क्राउड है, इनमें से 200 लोग भी क्या बोल देंगे ये किसको पता। और बोला भी तो क्या हो गया, अपने भगवान का ही नारा लगाया है, किसी को गाली तो नहीं दी है। मगर तुम लोग तो जय श्री राम के नारे सुनकर ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे किसी ने डॉगी की पूंछ पर पैर रख दिया हो। वैसे सॉरी, इस एग्जाम्पल के लिए मैं पूरी दुनिया की डॉगी बिरादरी से माफी मांगता हूं। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में आज कुछ कुत्ते खुले हुए थे। रिलीजन और स्पोर्ट्स को, रिलीजन और क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स और रिलीजन को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। ए थम जा चचा, थम जा, वरना नसवस फट गई तो इसकी सिलाई भी नहीं होनी। वैसे तुम्हारी क्रिकेट में इतनी बार फाड़ी गई है ना भारतीय टीम से कि तुम्हें पता ही होगा कि सिलाई वैसे भी नहीं होती। फिर भी सोचा मैं बता दूं कि तुम लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि क्रिकेट में मजहब को तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। हमारे तो कुछ दर्शक धार्मिक नारे लगा रहे थे, तुम्हारी तो खुद की टीम में खिलाड़ियों से ज्यादा मौलवी भरे पड़े हुए। इमरान खान तो 30 साल पहले ही बोल चुके हैं कि भैया हिंदुस्तान के खिलाफ खेलता हूं तो ऐसा लगता है मैं जिहाद कर रहा हूं। इसके अलावा दानिश कनेरिया के साथ तुमने क्या किया ये सबको पता है। श्रीलंका के प्लेयर को तो तुमने चलते मैच के बीच में क्या क्या नहीं बोला भाई साहब, ये सब याद है कि नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, पाकियों आज तुम्हारे पाकिस्तान के एक एक पाप का हिसाब कर ही लेते हैं, मगर उस हिसाब से पहले आप दर्शकों का थोड़ा सा बेहिसाब फायदा करवा देते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं फिर से दोहराता हूं कि अहमदाबाद में अगर दर्शकों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो इसमें कुछ गलत नहीं था। फिर भी अगर कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि ऐसा करके भारत के दर्शकों ने खेल में मजहब घुसा दिया तो मैं पूछता हूं भैया हेलो, हमारे यहां तो दर्शक ने ऐसी बात की मगर पाकिस्तान में खुद वहां के खिलाड़ी, वहां की सरकारें यही कर रही है। आपको याद होगा जब रिजवान ने भारत पाकिस्तान के एशिया कप के मैच में मैदान में ही नमाज पढ़ी, उस पर वकार यूनुस ने क्या कहा था याद ही होगा? ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सुना आपने, ये सोच है एक इंटरनेशनल प्लेयर की जिसे पाकिस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान में भी उससे ज्यादा प्यार मिला। यहां के टीवी चैनल्स इतने सालों से इन्हें गेस्ट बुला रहे हैं, ये पूरी दुनिया घूम चुके हैं, मगर इतना सब करने और देखने के बाद भी इस आदमी की सोच ये है कि रिजवान के नमाज पढ़ने पर इन्हें सिर्फ इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसने हिंदुओं के बीच ऐसा किया। ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, कोई सेंस है इस बात का? अरे भाई अगर रिजवान ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी थी तो तुम्हें क्या लगा हिंदुओं को इसका बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा? भैया चपड़ गंजू, या आपकी सोच हो सकती है, मगर जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं वहां पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान, पाकिस्तान से ज्यादा ही मस्जिदें होंगी। सुबह मंदिर की घंटियों से पहले लोग मस्जिद की नमाज सुनते हैं, हिंदू मोहल्लों में भी मस्जिदों से वैसी ही अजान होती है। हालांकि मैं धार्मिक स्थलों में किसी तरह के लाउडस्पीकर के फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इसकी वजह से भारत में कोई फसाद हो गया हो बड़ा सा।
भाई यहाँ लोग बचपन से ही ऐसे माहौल में रह रहे हैं और तुम जैसों को लगता है कि हमें किसी रिजवान के मैदान में नमाज पढ़ने से तकलीफ हो जाती है। भैया जितने पाकिस्तान में आज तक हिंदू क्रिकेटर नहीं खेले ना, उससे ज़्यादा मुस्लिम क्रिकेटर तो एट अ टाइम टीम इंडिया में खेल रहे होते हैं। ज़हीर खान से लेकर सबा करीम, मोहम्मद कैफ से लेकर इरफान पठान कॉमेंट्री कर रहे होते हैं और तुम रिजवान की नमाज का नाम लेकर ऐसे हिंदुओं को चिढ़ा रहे हो। इसलिए ये रिजवान ना इस बार पेला गया है बढ़िया से। और इतना ही नहीं, कहीं और मत जाना, अभी आपको और जलील होना है। ये देखो, याद है या भूल गए? Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. मतलब पूरी दुनिया में इतनी जलील हरकत। हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये क्लिप 2014 में श्रीलंका के डांबुला मैदान की है। उस टाइम पाकिस्तान लंका से वनडे और टेस्ट सीरीज दोनों में हार गया था। ऐसे ही एक मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद श्रीलंका के धांसू बैट्समैन तिलक रत्न दिलशान को कह रहे हैं कि अगर तुम अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लो तो तुम सीधा जन्नत में चले जाओगे, वरना आग में जलने के लिए तैयार रहो। आपको बता दें, दिलशान पहले मुस्लिम थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये बात अहमद शहजाद को भी पता थी और फिर भी ये हरकत, मतलब ये हरकतें मौलवी करें, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले करें तो भी समझ में आता है। हालांकि तब भी ठीक नहीं है, मगर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बीच मैदान में जब दूसरी टीम के प्लेयर को ये कहे कि भैया ऐसा नहीं वैसा है, तो इससे बड़ी जलील हरकत कोई और हो सकती है क्या? आप यहाँ मैदान में 150 लोगों के जय श्री राम के नारे लगाने पर तिल मिलाए हैं, जैसे किसी ने एक साथ तुम्हारे अंडरवेयर में 100 कॉकरोच डाल दिए हो। और जब तुम्हारे खुद के खिलाड़ी ये सब भांडगिरी करते हैं तब तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, बताइए? हेलो, आपने पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया का नाम तो सुना ही होगा, जो पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज है। वो ओवरऑल पाकिस्तान के चौथे सबसे सक्सेसफुल बॉलर। उस बेचारे तक को इन लोगों ने साजिशें करके टीम से बाहर निकाल दिया। दानिश ने अभी दो दिन पहले दिलशान वाला यही वीडियो पोस्ट किया था, ट्विटर पर शेयर किया था और लिखा था कि ऐसी हरकतें तो मेरे साथ हमेशा होती थी। कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी उस टेबल पर खाना नहीं खाते थे जहां दानिश कनेरिया खाना खा रहे होते। खुद शोएब अख्तर ने यह बात कबूल की थी। बाद में पीसीबी के सीनियर ऑफिशियल्स के प्रेशर में शोएब ने इस पर बोलना भी बंद कर दिया। यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने, और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं कहा मैं तुम्हारा उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। आई एग्री विद यू, ठीक है, मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे उठा के बाहर फेंक दूंगा। आप सोच सकते कोई देश इतनी छोटी सोच भी रखता है? वहां के प्लेयर इतने गिरे हुए हो सकते हैं कि वो अपने साथी खिलाड़ी के साथ रिलीजन के नाम पर भेदभाव करें? दानिश ने कई बार कहा है कि शाहिद अफरीदी मेरे से चिढ़ते थे, वो दूसरे प्लेयर्स को जाकर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, उन्होंने मुझे ज्यादा वनडे नहीं खेलने दिए। इन्हीं दानिश कनेरिया पर ऐसे लोगों के जरिए मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगाए गए जो शाहिद के क्लोज थे। 8 सालों तक दानिश ने इन आरोपों को नहीं माना, फिर इस उम्मीद में हार कर उन्हें हाँ करनी पड़ी कि शायद इसके बाद पीसीबी उन्हें माफ करके टीम में ले ले, मगर वो भी नहीं। ये है इन लोगों की औकात और ये है इन लोगों का चरित्र। और दूसरी तरफ है हमारी टीम इंडिया, भारत की टीम, जहां पाकिस्तान से हार के बाद कुछ लोगों ने शमी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया तो खुद कोहली ने सोशल मीडिया पर जाकर उसको डिफेंड किया। मतलब हमारे तो सबसे बड़े प्लेयर को भी एक्सेप्ट नहीं है कि कोई उसके टीम मेट पर रिलीजन के बेस पर आरोप लगाए। हालांकि बाद में यह भी प्रूव हो गया कि शमी पर जिन लोगों ने ट्वीट किए वो फेक अकाउंट थे जो पाकिस्तान और कनाडा से ऑपरेट हो रहे थे ताकि ऐसे ट्वीट करके शमी के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। और बताइए कितने एग्जांपल्स? ये तो मैंने हाल फिलहाल की बात की, वो भी सिर्फ क्रिकेट की बात की। बाकी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में और कैसे पाकिस्तान में उस पर कोई चर्चा नहीं होती, इसका तो अभी कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब इन लोगों के तो खून में ही ऐसी मजहबी कट्टरता है और ये हमें भावना और सेक्युलरिज्म पर ज्ञान फैल रहे हैं कि खेल भावना ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। शोएब अख्तर की अभी कुछ दिन पहले क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वो खुद बोल रहे थे कि मैं सचिन तेंदुलकर को अपनी बॉल से जख्मी करना चाहता था। सुनिए। और मैं पहले तो रिवील कर दूं, मैं उस वक्त वाकई सचिन को मारना चाह रहा था उस टेस्ट मैच में, कि मैंने इस टेस्ट मैच में सचिन को जख्मी करना है एट एनी कॉस्ट। कुछ समझे आप? मतलब अपनी बॉल पर सचिन को आउट भी नहीं करना है, बाउंसर मारकर डराना भी नहीं है, मतलब ये सोच है कि ऐसी बॉल फेंकू कि वो इंजर्ड हो जाए। मतलब जो अपनी बॉल से दूसरी टीम के बैट्समैन को जख्मी करना चाह रहे हो, कैसी सोच होगी उनकी? क्या जहर भरा होगा दिमाग में? क्या वो सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेल रहे होंगे या इसमें भी वो अपनी तरफ से कुछ जिहाद कर रहे थे? हेलो, अब क्या ही बोलें, कितना ही बोलें और कितना ही जलील करें इनको। जिस मजहबी कट्टरता के बेस पर पाकिस्तान बना था, ये सारी सोच उसी कट्टरता की तो देन है। और मजे की बात यह है कि ये सारी बातें इनको गलत नहीं लगती हैं ना, बिल्कुल नहीं लगती। ये सब बातें गलत हैं ये बताएगा कौन? क्योंकि आजू बाजू आसपास वैसे ही लोग भरे पड़े हैं जैसे खुद हैं। वो तो अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, एक मिनट में आपके बयान वायरल हो जाते हैं,
जो जहर आज तक आप एक स्टूडियो में उगलते थे, जो बातें आप दोस्तों के ग्रुप में करते थे, आज वो फौरन पूरी दुनिया को पता लग जाती है। पता लगता है तो ये माफ़ी मांग लेते हैं, जैसे वकार ने रिजवान के हिंदुओं वाले जो नमाज वाली बात थी उस बयान पर माफ़ी मांगी थी। मगर ये लोग अपने लोगों के बीच में यही बातें करते हैं क्योंकि यही इनका चरित्र। वेल, खेल में ना हार जीत चलती रहती है। एक टाइम पर पाकिस्तान हमसे बहुत ज़्यादा जीतता था, पिछले 15 सालों में भारत पाकिस्तान से जीत रहा है। इन सालों में, इन बीते वर्षों में क्रिकेट में फिटनेस का लेवल बहुत आगे चला गया, टेक्नोलॉजी ने बड़ा स्पेस ले लिया, यहीं पर पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे छूट गया। यही रीजन है कि फॉर्मेट जितना बड़ा होता है पाकिस्तान उतना ज़्यादा हमारे सामने एक्सपोज होता है। टेस्ट तो वो लोग खेलते नहीं है, मगर वनडे में दोनों टीमों के स्किल का अंतर क्लियरली पता चलता है। टेस्ट खेलें तो और साफ हो जाएगा, और ज़्यादा बेइज्जती करवाएंगे। मगर बजाय इन बातों को एक्सेप्ट करने और अपनी हार को एक्नॉलेज करने के बजाय इन लोगों ने ले देकर ये बात पकड़ ली है कि भैया मैदान में जय श्री राम के नारे लगे, हमारे प्लेयर्स पर दबाव डाला गया, रिजवान को ट्रोल किया गया। हाँ छोड़ो यार, क्या बच्चों जैसी बात करते हो। दूसरों पर तानेबाजी करने के बजाय अपने गिरेबान में झांको। वैसे भी ताक झांक करनी हो तो दूसरों की बीवियों की बजाय खुद का गिरेबान ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि नहीं? बड़ी नेक सलाह मुफ्त में दे रहा हूँ, ले लो। वैसे भी तुम लोग मुफ्त का कुछ छोड़ते नहीं हो, है कि नहीं? बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा दिया ये पाकिस्तान नाम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो में कही बातों से अगर आप सहमत हो, अग्री हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो था पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को रौनक भाई ने नया नाम दिया है, पाकिस्तान सब लोगों के लिए नहीं है। जो इन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भरे पड़े हैं ना, उनके लिए ये नाम बरोबर है। हाँ, और एक इनके जो, क्योंकि आजकल मैं भी पाकिस्तान का जो कंटेंट है ना वो बहुत देखती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। जब जब पाकिस्तान टीम हारती है ना, तब हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उन्हीं के लोग उनकी बैंड बजाते हैं, और ऐसी बैंड बजाते हैं कि बात ही मत आप पूछो। एक एक यूट्यूब पे मतलब आ जाते हैं, मेरी तरह वीडियो बनाते हैं। मेरी तरह नहीं है, मैं मेरे देश के किसी भी लोगों को, मेरे टीम के कोई भी प्लेयरों को या मेरे देश के खिलाफ कोई भी बात या कंटेंट मैं करती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। चाहे मेरा चैनल चले चाहे नहीं चले, मेरे देश के खिलाफ मैं कंटेंट देख ही नहीं सकती, ना मैं बोल सकती हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो पाकिस्तान है ना, जब उनके ही प्लेयरों का और उनके जो आगे क्रिकेटर जो बड़े बड़े नाम है वो हो गए, उनकी सबकी बैंड बजाते हैं ना, तो बहुत मजा आता है देखने में। तो उन्हीं के जो ये बड़े क्रिकेटर, एक तो मैं नाम में कन्फ्यूज हो जाती हूँ, जो बोले ना कि हिंदू के बीच में रिजवान ने नमाज पढ़ी थी श्रीलंका के सामने, जो मैच हुआ था उसी में उन्होंने शायद सेंचुरी मारी थी ना। तो देखिए, हिंदू और मुसलमान ये आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ शहर है, हम लोगों के लिए नहीं है फ्रेंड्स। हमारा देश भारत माँ के नाम से पहचाना जाता है, और भारत माँ के ये बेटे हैं जो सब धर्म है ना, वो सब बेटे हैं, और एक माँ की संतान हमारे लिए हमारे भाई है फ्रेंड्स। तो मुस्लिम या हिंदू हम इस नाम से पहचानते ही नहीं है, जो भी है हम एक परिवार है और हम भारत माँ के सब संतान है फ्रेंड्स। तो हिंदू मुसलमान जो जहर है ना वो आपके मन में है। आप कभी ये लोग ये बोलते हैं कि भारत के मुसलमान हमको सपोर्ट करेंगे, या कभी ये बोलते हैं कि हमारे प्लेयर ने मैदान में हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, इससे घटिया बात, घटिया थिंकिंग हो ही नहीं सकती। हमको नमाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। हम तो हमारे घर में नमाज पढ़वा ले, मैं हिंदू हूँ फ्रेंड्स, और मैं मेरे भगवान में बहुत आस्था रखती हूँ फ्रेंड्स। लेकिन मेरे घर में अगर मेरी कोई फ्रेंड मुसलमान है तो मेरे घर में आके उनके नमाज का टाइम हो जाए वो पढ़ ले, हमको क्या दिक्कत फ्रेंड्स। हम तो इस देश में रहते हैं जहाँ मंदिर मस्जिद बगल में होता है, जहाँ मस्जिदों में फ्रेंड्स अजान
अजानी बोलते हैं ना, जो उनके वो नमाज के टाइम जो बोलते हैं वो गूंजती है, एक तरफ भजन गूंजते हैं, हम तो उसी माहौल में बड़े हुए हैं और बहुत प्राउड से बहुत हैप्पीनेस से रहते हैं। ये तुम लोगों की पाकिस्तानियों, ये तुम लोगों की सोच है और तुम यही इसीलिए तुम लोगों को वीजाएं नहीं दिए गए हैं, क्योंकि भारत की सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि तुम लोग जहर फैलाने में नंबर वन हो। तुम भारत में आके यही सब चीजें करते, अगर तुम लोगों को वीजाएं दे देते ना तो फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा काम किया है भारत सरकार ने, जो वीजा नहीं दिए है, दिया है, और नहीं देने के बावजूद भी ये जो दूसरे कंट्री के थ्रू पाकिस्तान के लोग आए हैं ना, दो चार लोग जो दिखते हैं, वो लोग वीडियो बना बना के ट्विटर पे फेसबुक पे सब जगह डालते हैं, कहीं वो ये लोग बोलते, मतलब ये लोग इतने हम लोगों से मतलब जलते हैं और इतने ये क्या बोले कि नफरत है हमारे प्रति फ्रेंड्स, हमारे हिंदुस्तान के प्रति, कि ये लोग पहले वीजा का रोना रोया, ठीक है, अब हमको वीजा नहीं दे रहे हैं, फिर इन्होंने ये रोना रोया कि भाई एयरपोर्ट पे हम लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने दिए, फिर उन्होंने एक उनका मैच हुआ तो हमारे टीम को सिक्योरिटी नहीं मिली, ये रोना रोया फ्रेंड्स, फिर उन्होंने मतलब पाकिस्तान का रोना कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अब तुम लोग रो, तुम लोग शुरू से लोग तुम लोग रोते आ रहे हो ना, अब तुम लोग रो सॉरी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना फ्रेंड्स, जैसा तुम लोग मांगोगे ना दूसरों के लिए वैसा तुम्हारे साथ ही होगा। तुम लोग शुरू से ही रो रहे थे ना भारत को दोष देके, अब तुम्हारी टीम वर्ल्ड कप में इस सिचुएशन में फंसी है कि अब तुम लोग सही में रो, और रो भी रहे हैं फ्रेंड्स, लोगों को मतलब रो भी रहे हैं ये लोग। और ये जो भारत सरकार ने, हमारी मोदी सरकार बहुत अच्छा काम किया है, तुम लोगों को वीजा नहीं दिया है, तुम लोग इधर वीजा लेके क्या करते, गली गली में घूमते फिर ये इधर गंदा है, इधर हिंदू मुसलमान है, इधर ये है इधर वही तुम लोग करते ना, और तुम क्या करते, तुम तो यही तो मौके में बैठे थे कि ये सब करने को मिले हिंदुस्तान में, पिछले 7 सालों से आप लोगों को ये सब मौके दे नहीं रहा था हिंदुस्तान, और इस बार तुम यही मौकों में बैठे थे पाकिस्तान के लोगों, तो अब इस बार वीजा नहीं देके बहुत अच्छा किया। फिर भी जो दो चार लोग आ गए हैं दूसरी कंट्री के थ्रू, कभी बोलते हैं कि स्टेडियम गंदा है, कभी बोलते हैं ये हुआ, और अब अभी भी सुधर नहीं रहे, उनकी उनकी टीम की परफॉर्मेंस उनको देखनी नहीं है, जो लगातार हार रही है वो देख नहीं दे रही है, उनको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उनको बीच में उनकी जो प्रार्थना है नमाज लेके आनी है, और कुर्सियां गंदी है, श्री राम के नारे लग रहे हैं, श्री राम के भजन चल रहे, अरे भाई भजन चल रहे है, हिंदुस्तान हमारा देश है तो हमारे यहाँ भजन ही चलेंगे ना, और क्या चलेंगे फिर, तो उनसे आपको क्या दिक्कत है, बल्कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छा मौका था कि 1,25,000 जो पब्लिक थी अच्छी परफॉर्मेंस देते, उनको चुप करवा देते, लेकिन नहीं, आप लोग डर गए, इतने आपके बच्चे प्लेयर है क्या जो डर गए फ्रेंड्स, तो उन पे फोकस करो, हिंदुस्तान क्या कैसा कहाँ है और क्या कर रहा है उन पे फोकस मत करो, और फालतू में हमारे देश को बदनाम मत करो, कुछ कारनामा ऐसा करो, अपनी टीम को बोलो मेहनत करें, अपनी मेहनत से वो प्रभावित, उनको प्रशंसा भी मिलेगी, हिंदुस्तान की पब्लिक है ना बहुत अच्छी है, अगर मेहनत करेगी जीतेगी तो प्रशंसा भी देगी, और अगर नहीं जीत रही है तो खैर बदनामी तो हमको देने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही कर रहे हैं, अपने टीम की पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है वो बहुत कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी, शायद थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मेरी बड़ा आशीष पे निकल गई, मेरे को इस बात पे बहुत गुस्सा आया था, ये लोग जो धर्म को लाते हैं ना, धर्म को, वो बहुत गंदी बात है, हम लोगों को धर्म से कोई दिक्कत नहीं, हम सर्व धर्म एक समान वाले लोग हैं फ्रेंड्स, हम सब धर्म को सत सत नमन करते हैं और सबका सम्मान करते हैं फ्रेंड्स, ये पाकिस्तानी लोग जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं ना, वो ये लोग कभी नहीं समझ सकते फ्रेंड्स ये। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।